सभी को, मैं रवनीत गौतम, नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सिक्स सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट ग्रुप्स एंड स्पेस ग्रुप्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं, फिर स्पेस ग्रुप को पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में है ना, और सेकेंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिमेट्री ऑपरेशंस कराए थे। ठीक है, क्या बोलते हैं, सममिति समक्रिया चार प्रकार की होती थी, है ना। तो ये बात आप जानते हो, तो ये बात लिखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं देयर आर फोर सिमेट्री ऑपरेशंस। ठीक है जी, चार होती हैं समक्रिया, सममिति समक्रियाएं। ठीक है, पहली कौन सी है, ट्रांसलेशन जिसे आप स्थानांतरण भी कहते थे, दूसरी है रिफ्लेक्शन जिसे आप परावर्तन कहते थे, और तीसरी है रोटेशन जिसे घूर्णन कहते हैं, और इन्वर्जन यानी कि उत्क्रमण या व्युत्क्रमण। ठीक है, तो ये चार प्रकार के आपने सिमेट्री ऑपरेशंस पढ़े हैं, और मैंने वहाँ भी बताया था कि ये जो इन्वर्जन है ये ऐसी है ना समक्रिया है, ऐसा ऑपरेशन है जो 3D स्ट्रक्चर के लिए, 3D लैटिस के लिए या 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए ही अप्लाई होता है। तो 3D ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को आप कह सकते हो, यानी कि त्रिविमीय समक्रिया। और ये जो नीचे की तीन है ये पॉइंट ऑपरेशन होते हैं, ये बात भी मैंने बताई होगी, यानी कि बिंदु समक्रिया होती है क्योंकि ये एक पॉइंट पर ही अप्लाई होती है, एक लैटिस पॉइंट पर। ठीक है जी, तो ये तीनों संयुक्त रूप से क्या कहलाती हैं, पॉइंट ऑपरेशंस। ठीक है, यानी कि बिंदु समक्रियाएं। ठीक, तो अब देखो मेन चीज़ क्या है, ये तीनों पॉइंट ऑपरेशन है तो किसी एक पॉइंट पर, ध्यान देना, किसी एक लैटिस पॉइंट पर, कोई लैटिस है, लैटिस का स्ट्रक्चर आप जानते हो। ठीक है जी, इस तरीके से कोई एक लैटिस है ये, है ना। तो लैटिस का कोई भी लैटिस पॉइंट उठा लो, मान लो ये वाला उठा लिया, तो इस पे यदि आप ये पॉइंट ऑपरेशंस लगा देते हो लास्ट के तीनों एक साथ, है ना, तो जो ग्रुप बनेगा वही क्या कहलाएगा, पॉइंट ग्रुप। जो ग्रुप बनेगा वही क्या कहलाएगा, पॉइंट ग्रुप्स। ठीक है जी, इसका मतलब है रिफ्लेक्शन, रोटेशन और इन्वर्जन तीनों का जो कंबाइंड ग्रुप है जो किसी लैटिस पॉइंट पर लगाया जा रहा है, और लैटिस पॉइंट पर तीनों ऑपरेशन लगाने के बावजूद भी लैटिस पॉइंट या लैटिस कैसा रहे, इनवेरिएंट, है ना, अपरिवर्तित, तो इस टाइप का जो ग्रुप है वो आपका पॉइंट ग्रुप कहलाता है। देखो लिखा भी है कलेक्शन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। ठीक है जी, यानी सिमेट्री ऑपरेशंस का क्या, कलेक्शन। ठीक है, विच ऑन अप्लाइंग अबाउट ए लैटिस पॉइंट, विच माने जो, ऑन अप्लाइंग अबाउट ए लैटिस पॉइंट, है ना, किसी जालक बिंदु के, किसी जालक बिंदु पर अप्लाई करने पर यानी लगाने पर, लीव्स छोड़ देता है। ठीक है, ये जो कलेक्शन है सिमेट्री ऑपरेशंस का, ये छोड़ देता है द लैटिस इनवेरिएंट, है ना, जालक को अपरिवर्तित छोड़ देता है, तो उसे ही आप क्या कहते हो, पॉइंट ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है जी, तो ये जो तीनों ऑपरेशन हैं ये इनवेरिएंट छोड़ देते हैं, इसी कारण इन तीनों की ही बात है। ठीक है, समझ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्री ऑपरेशंस का वो कलेक्शन, ठीक है, जो क्या करे, जो अप्लाई किसी लैटिस पॉइंट पर यदि लगाया जाए तो लैटिस को क्या छोड़ देता है, अपरिवर्तित यानी इनवेरिएंट छोड़ देता है, तो ऐसा जो ग्रुप है वही क्या कहलाता है, पॉइंट ग्रुप्स। ठीक है जी, समझ में आया, तो इसका मतलब क्या है, किसी जालक बिंदु पर लगाया जाने वाला, लगाए जाने वाली कहेंगे बल्कि, हाँ हिंदी में, तो है ना, सममिति समक्रियाओं का समूह। ठीक है, जो सममिति समक्रियाएं हैं उनका समूह ही तो है ये। ठीक है, जो जालक को अपरिवर्तित छोड़ देता है क्या कहलाता है, पॉइंट ग्रुप कहलाता है, बिंदु, ठीक है, समूह कहलाता है। तो ये समझ में आई आपको, आगे लिखा है ऑल पॉसिबल सिमेट्री ऑपरेशंस मस्ट बी अप्लाइड ओनली ए पॉइंट, यानी कि ये तीन लगा रहे हो ना आप, तो एक ही पॉइंट के अभाव, है ना, एक ही पॉइंट पर लगाओगे, एक ही लैटिस पॉइंट पर, ऐसे नहीं है ना कि इनमें से नीचे वाले दो तो इस पे लगा दिए और एक ऊपर वाला जो है ये रिफ्लेक्शन, ये इस पे लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों ऑपरेशन लगेंगे तो एक ही लैटिस पॉइंट पर लगने चाहिए। ठीक है, यही बात लिखी है कि सभी संभव जो है ना सिमेट्री ऑपरेशंस हैं वो मस्ट बी अप्लाई होने चाहिए ओनली ए पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर। ठीक है, और मैंने आपको बताया
इन्वर्जन 3D होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रोटेशन होगा यदि किसी लैटिस पॉइंट पर दो ऑपरेशन लग रहे हैं, रिफ्लेक्शन और रोटेशन, तो वो 2D पॉइंट ग्रुप्स कहलाएगा, ठीक है। और यदि तीनों लग जाएं तो 3D पॉइंट ग्रुप्स कहलाएगा, क्योंकि इन्वर्जन 3D में लगता है। इन्वर्जन के आते ही जो पॉइंट ग्रुप है वो कैसा हो जाता है, 3D, ठीक है। इन्हें चाहो तो आप बॉक्स में बंद कर सकते हो, ठीक है, इन्हें। तो देखो बोर्ड पे मैं है ना अच्छे से लिख देता हूँ। क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि देखो पहले तो है ना जॉब नहीं थी तो मैं पढ़ाता था ऑफलाइन, तो फिर बैच में जो स्टूडेंट्स रहते थे उनके नोट्स मिल जाते थे, तो नोट्स लिखने के लिए मुझे टाइम इतना मिल नहीं पाता, लेक्चर में ही बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। तो इसलिए है ना आप लोग बिल्कुल एज इट इज अच्छे से है ना नोट्स बना लिया करो, है ना, और बनाओ तो मुझे सेंड भी कर सकते हो, तो मैं टेलीग्राम पे डाल भी दूँ, ठीक है। और बाकी समय मिलेगा तो मैं नोट्स दूंगा ही, है ना। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई, है ना। यदि ये भी ऐड हो जाता है इन्वर्जन, तो क्या हो जाता है, 3D पॉइंट ग्रुप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्वर्जन कैसा है, 3D ऑपरेशन है, क्लियर है। और रिफ्लेक्शन और रोटेशन रहेगा तो 2D पॉइंट ग्रुप है। इधर की चीज़ें आपको समझ में आ गई। इधर देखो क्या है, इन 2D पॉइंट ग्रुप्स, जो 2D पॉइंट ग्रुप्स है उसमें देखो मैंने बताया ना पॉइंट ग्रुप्स दो प्रकार के हो गए, एक तो 2D और एक कौन सा 3D। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है 2D पॉइंट ग्रुप्स, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है 3D पॉइंट ग्रुप्स। तो जो 2D पॉइंट ग्रुप्स है आपका, उसमें देयर आर 10 डिफरेंट पॉइंट ग्रुप्स एग्जिस्ट, है ना। उसमें कितने पॉइंट ग्रुप्स होते हैं, जो 2D पॉइंट ग्रुप्स है उसमें कितने पॉइंट ग्रुप होंगे, 10 होंगे, 10 होंगे, है ना। और उनके नाम क्या क्या होंगे, तो देखो यहाँ लिखे भी हैं। पहले का नाम 1 होगा, मतलब पहले को 1 से डिनोट करेंगे, दूसरे को 1 mm से, तीसरे को 2 से, चौथे को 2 mm से, पांचवे को 3, फिर 3 mm, 4, 4 mm, 6 और 6 mm, 10 हो गए टोटल, ठीक है। तो देखो बताता हूँ मैं कैसे है क्या है। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि 2D जो पॉइंट ग्रुप है उसमें कितने पॉइंट ग्रुप होते हैं, 10 होते हैं, है ना, ये 10 डिफरेंट पॉइंट ग्रुप्स, और 10 के नाम क्या है, ये है, ठीक है। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो 1 है ये, है ना, 1 यानी ओड है, है ना, ओड यानी विषम, तो विषम में m आ रहा है, ठीक है। और जो सम है यानी इवन है उसमें m आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, विषम में m आ रहा है, ओड में, ठीक है, देख लो 1, 3, है ना, 5 तो होता नहीं, बताया था ना 5 का, तो वहाँ भी कि 5 नहीं होता, ठीक है। और जो इवन है 2, 4, 6, उनमें m आ रहा है, इस तरीके से याद रख सकते हो। बाकी देखो मैं समझाता हूँ क्या है ये, देखो थोड़ा सा रफ कर दूँ इधर से, देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसे 1 कहते हैं, है ना। 2D मतलब यही है 1 वाला जो ये लिखा है पॉइंट ग्रुप, ये किसका एग्जांपल है, 1 का। 1 का एग्जांपल कैसे, कहने का मतलब ये क्या है, आप खुद मुझे बताओ, इसमें रोटेशन वाली बात है केवल, है ना। 360 घुमा दो इसे, यदि इसे 360 घुमा दोगे, 360 घुमा दोगे, तो ये जो पॉइंट जहाँ पर है घूम फिर के वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्री है, लेकिन कौन सी है, रोटेशन वाली, ठीक है। तो इसका मतलब है, और रोटेशन सिमेट्री में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, है ना, ये पढ़ाया था, एन थीटा बराबर होता है 360, तो एन बराबर क्या आएगा, 360 बट अपॉन थीटा, थीटा कितना घुमा रहे हो, 360, तो 360 बटे 360, तो एन कितना आएगा, 1। तो इसी कारण इसे किससे डिनोट कर दिया, 1 से, क्योंकि इसमें रोटेशन वाली सिमेट्री है 360 घुमाने पर, तो n बराबर 1 आया, ठीक है, समझ गए भाई। आप चाहे इसे घुमा के देख लो ना देखो घूम रहा है, घूम फिर के एक पूरा चक्कर 360 का होता है ना, यहीं आ जाएगा ये पॉइंट, ये पूरे को ही घुमा रहे हो आप, है ना, ये पूरे को ही घुमा रहे हो, तो ये जो इसके ऊपर ये है ना डॉट है, ये यहीं आ जाएगा यदि 360 डिग्री से आप घुमा देते हो, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये 1 कहलाता है, n की वैल्यू इसके लिए 1 आती है। अब इसमें देख लो, इसमें दो टाइप की सिमेट्री है, देखो इसे घुमाओगे 360 तो यही आकृति मिलेगी,
घुमाने पर पूरा एक चक्कर घुमाओगे 360, तो यही आकृति मिलेगी सेम, तो रोटेशन वाली सिमेट्री, और एन बराबर वन आएगा 360 घुमाने पर। क्लियर हो गया, तो वन तो इसलिए आ रहा है। अब ये एम क्यों आ रहा है, तो एम का मतलब है मिरर, मिरर से रिलेटेड है। तो मिरर कैसे भाई, आप खुद बताओ। इसके बीच में यहाँ मिरर रखो, मान लो बीच में मिरर है, ठीक है, तो आप एक बात नहीं देख रहे कि जैसा नीचे है वैसे ही ऊपर है, ऐसा लग रहा है कि नीचे की मिरर इमेज ऊपर है और ऊपर की मिरर इमेज नीचे है, ठीक है, जो दर्पण प्रतिबिंब है ऐसा लग रहा है कि बीच में मिरर रखा है और इसकी परछाई उधर पड़ रही है, उसकी परछाई इधर पड़ रही है, मतलब मिरर इमेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें रिफ्लेक्शन वाली भी बात हो रही है, रिफ्लेक्शन यानी मिरर से रिलेटेड हो रहा है, इसलिए एम आ रहा है। क्लियर हो गया, तो इसमें दो तरीके की सिमेट्री हमें मिल रही थी, एक तो रोटेशन 360 पे और एक मिरर इमेज, ठीक है, तो इसलिए एम लगा है, समझ आ गए। ऐसे ही देखो टू की बात कर लो, टू टू में देखो दो डॉट लगे हैं, दो डॉट लगने का मतलब है इसे देखो, ये लाइन ऐसे यदि खींचूँ मैं थोड़ी देर को, तो ये डॉट यहाँ पे है, ये डॉट यहाँ पे है, यदि आप इसे 180 घुमा दोगे, कम से कम देखना 360 पे तो हर आकृति हो जाती है पहले जैसी, है ना, लेकिन 180 मिनिमम देखो, 180 घुमा दोगे तो ये वाला डॉट इधर पहुँच जाएगा और ये वाला डॉट इधर पहुँच जाएगा, ऐसे घुमा दोगे, समझ गए। दोनों डॉट एक जैसे हैं तो पता चलेगा ही नहीं, ये पता चलेगा ही नहीं कि ये वाला डॉट इधर चला गया और ये वाला डॉट इधर चला गया, 360 घुमाने पे ऐसे है ना, वो 180 घुमाने पे, ठीक है, क्लियर है। मान लो इस डॉट का नाम मैंने रखा ए और इस डॉट का नाम रखा बी, अब 180 घुमाओ, अब पता चल जाएगा कि ये ए वाला 180 घुमाने पे यानी आधा घुमाने पर यहाँ पहुँच जाएगा और बी वाला यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन इनका जब कोई नाम नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, तो 180 घुमाने पर भी आकृति सेम लगेगी, यानी कि ठीक है 180 घुमा रहे हो तो यहाँ थीटा की जगह क्या आएगा 180, तो यहाँ एन की जगह क्या आएगा 2, तो इसका नाम क्या हो गया 2। और देख लो इसमें रिफ्लेक्शन की तो बात ही नहीं है, है ना, क्लियर है, तो इसलिए ये क्या हुआ, केवल रोटेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए क्या है 2 है, ठीक भाई। आप खुद मुझे बताओ रिफ्लेक्शन हो सकता है क्या, मान लो यहाँ पे मिरर रखा है तो इसकी परछाई इधर पड़ेगी, है ना, ये तो नीचे आ रहा है पर, तो इसका मतलब नहीं है, और इधर का देखोगे तो इसकी परछाई इधर पड़ेगी, तो यहाँ होना चाहिए लेकिन वहाँ है, तो मिरर इमेज नहीं है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट तो नहीं है, वाई एक्सिस के अबाउट, ऐसे देख लो, ऐसे मिरर इमेज मिल जाएगी क्या भाई, इसकी परछाई उधर पड़ेगी तो ये डॉट वहाँ दिखेगा, लेकिन वहाँ है ही नहीं डॉट, है ना, और इसकी परछाई देखी जाए यदि मिरर इमेज तो यहाँ आना चाहिए डॉट, लेकिन डॉट वहाँ पे है, तो ये मिरर इमेज वाला इसमें नहीं है, इसलिए एम नहीं लिखा, समझ गए। और देखो इसमें देखो टू तो है, टू कैसे है, यानी 180 घुमाने पर हो तो जाएगा, 180 घुमाने पर क्या होगा, रोटेशन सिमेट्री मिल जाएगी, देखो कैसे, 180 घुमाने वाला होता आधा घुमाना, 360 घुमाने वाला होता पूरा घुमाना, इसे आधे को ऐसे घुमा दोगे तो ये वाले दोनों जो डॉट हैं वो ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे घूम के, है ना, और डॉट के कोई नाम वाम है नहीं, दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले डॉट सेम है, तो ऐसे लगेगा कि घूम, है ना, कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वे वाले ऑपरेशन लगाने पर, है ना, यदि इनवेरियंट रहे, तो इनवेरियंट है तो इसे आधा घुमाओगे ऐसे लगेगा कि घुमा ही नहीं है, इनवेरियंट ही है, है ना, क्योंकि आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके मतलब उसमें इसके अपेरेंस में कैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है 180 घुमाने पर भी, आधा घुमाने पर भी वैसा ही दिखेगा। यदि मैं इसका नाम ए रख दूँ, इसका बी रख दूँ, तब पता चल जाएगा कि भाई ए वाला ऊपर चला गया, बी वाला नीचे आ गया, समझिए। तो इसलिए टू तो क्यों आ रहा है, क्योंकि 180 घुमाने पर, है ना, रोटेशन मिल रहा है, रोटेशन सिमेट्री। और एम क्यों आ रहा है, तो एम इसलिए आ रहा है, पहले वाला एम आप खुद देख के बताओ, ये मिरर है यदि बीच में, तो इसकी परछाई उधर पड़ रही है, देख लो बिल्कुल सेम है, और उसकी परछाई उसकी इमेज इधर बन रही है, ऐसा लग रहा है यदि बीच में ऐसे ऐसे मैं मिरर रख रहा हूँ, तो पहला एम इसी कारण आया और दूसरा एम इस कारण आया। देखो यदि यहाँ पर मिरर रखोगे तो देखो इसकी परछाई यहाँ पड़ेगी, इसकी परछाई यहाँ पड़ेगी, तो ये वाली इसकी मिरर इमेज लग रही है और ये वाली इसकी मिरर इमेज लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि इसकी परछाई उधर और इसकी परछाई इधर, तो इसका मतलब मिरर भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी रखा है और यहाँ भी रखा है, दो मिरर रखे हैं, तो इसलिए 2m आया है, ठीक है, क्योंकि दो बार रिफ्लेक्शन वाली ये फीलिंग दे रहा है, समझ में आया ना। ऐसे ही देखो और का भी समझा जा सकता है, लेकिन चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी तो, है ना, और BSc का लेवल है तो आगे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, 4 से ही मैंने आपको समझा दिया, 3 के लिए भी ऐसे ही होगा,
फोर के लिए, सिक्स के लिए, फाइव के लिए आप करके देखेंगे तो होगा भी नहीं, है ना। ठीक है, उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो एम का मतलब मैंने क्या बताया, मिरर सिमेट्री, यानी कि रिफ्लेक्शन वाली सिमेट्री, एम इसलिए आ रहा है। ठीक है, और देखो ये तो 2D पॉइंट ग्रुप्स के लिए हमने कहा कि 10 बनते हैं पॉइंट ग्रुप्स, ये मैंने 4 बना के दिखाए, होते कितने हैं 10। ठीक है, तो आगे के भी ऐसे समझ लेना, मतलब ज़्यादा है ना डीपली नहीं है आपके सिलेबस में ये 3D। अब देखो ये तो 2D पॉइंट ग्रुप्स की बात थी, उसमें 10 थे पॉइंट ग्रुप, 3D जो पॉइंट ग्रुप है उसमें 32 होते हैं, डिफरेंट पॉइंट ग्रुप्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं 32 3D में। ठीक है, तो इसका भी नामकरण अलग अलग तरीकों से होता है, जैसे यहाँ पे हुआ, तो वे तरीके इतने डीपली अभी आपको नहीं जानने हैं, ठीक है, MSc वगैरह में जानने हैं। ठीक है, तो 32 होते हैं, और 32 का नाम भी क्या है ये भी अभी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 32 होते हैं, बस इतना याद रखो 3D में, है ना, क्लियर है। और फिर अब आते हैं स्पेस ग्रुप में, देखो मैंने बताया था 4 ऑपरेशन है। ठीक है, तो शुरुआत लास्ट के जो 3 है ट्रांसलेशन को छोड़ के, वो पॉइंट कहलाते हैं, पॉइंट ऑपरेशन। तो उन्हीं के एप्लीकेशन होने के बाद, मतलब उन्हें अप्लाई करने पर जो इनवेरिएंट रहता है लैटिस या क्रिस्टल, तो फिर उन्हीं से जो कलेक्शन बनता है उसे आप क्या कहते थे, पॉइंट ग्रुप। ठीक है, यानी पॉइंट ऑपरेशन जो होते हैं बाद के 3, उन्हीं का कलेक्शन जो है वो क्या कहलाता है, पॉइंट ग्रुप। ठीक है, लेकिन यदि इसमें ट्रांसलेशन भी शामिल हो जाए, ऊपर वाला पहले वाला है ना, तो फिर वो चारों का जो कॉम्बिनेशन है, चारों जो ऑपरेशंस हैं, उन चारों का जो कलेक्शन है, समूह है, ग्रुप है, वही कहलाता है स्पेस ग्रुप्स। ठीक है जी, देखो लिखा भी है लिखा क्या पहले, यहाँ देखो 4 यही तो होते हैं, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, इन्वर्जन, तो चारों का जो कलेक्शन है ना उसे आप क्या कहते हो, स्पेस ग्रुप्स। ठीक है, तो लिखा है देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्री ऑपरेशंस इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन, ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यानी इस बार ट्रांसलेशन भी शामिल है इनमें। और ये किसके होते हैं ऑपरेशंस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के होते हैं, इसे ही आप क्या कहते हो, स्पेस ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो चारों से मिलके क्या बनता है, स्पेस ग्रुप्स बनता है। ठीक है, देखो इन 2D स्पेस ग्रुप्स, जैसे यहाँ कहा था ना कि 2D पॉइंट ग्रुप्स में कितने पॉइंट ग्रुप्स होते हैं, 10, ऐसे ही 2D जो स्पेस ग्रुप्स है उसमें कितने स्पेस ग्रुप्स होते हैं, 17 होते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैसे कैसे जैसे समझाया कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत डीपली जाके बहुत है ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी। और देखो 3D स्पेस ग्रुप्स में, 3D में देखना 230 होते हैं स्पेस ग्रुप्स, कितने होते हैं 230। ठीक है, तो 2D में 17 और 3D में 230 स्पेस ग्रुप्स की बात हो रही है, और पॉइंट ग्रुप की बात करें तो 2D में 10 और 3D में 32। ठीक है, तो आप देख रहे हो 230 कितना का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएंगी आगे जाके, है ना। तो देखो लिखा है सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड, जो कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी सिमेट्री स्पेसिफाइड होती है, यानी पता चलता है अच्छी तरह किसी भी क्रिस्टल की जो सिमेट्री है, सममिति है उसका, कम्प्लीटली पूरी तरह अच्छी तरह जब पता चलता है, कब, व्हेन स्पेस ग्रुप इज नॉन, जब उसका स्पेस ग्रुप पता हो। ठीक है, स्पेस ग्रुप क्या है, यानी कि चारों के चारों ऑपरेशंस जो होते हैं इन्हें कहते हैं, इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है स्पेस ग्रुप। तो यानी कोई भी क्रिस्टल की आपको सिमेट्री जाननी है अच्छे से, तो आपको इन चारों ऑपरेशंस को अच्छे से है ना वहाँ पर किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ये बात अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने पॉइंट ग्रुप्स और स्पेस ग्रुप्स टॉपिक्स पढ़े। ठीक है, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।